हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर बिट्टू खुशी फन के बारे में। एक्चुअली मैं ना एक दिन ऐसे यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, सडनली मेरे को ना उनका एक शॉर्ट्स दिखाई दिया, तो मैंने क्लिक किया और मैं उसको चेक करने लगी। तो जस्ट वो उसमें बोल रही थी कि बड़े यूट्यूबर को सब सपोर्ट करते हैं, छोटे यूट्यूबरों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे फैक्ट बात है, बड़े यूट्यूबर को लोग जल्दी कैचअप कर लेते हैं, छोटे यूट्यूबर को सोचते हैं अभी ये न्यू है तो वो नहीं देखते हैं। पर जब हम स्टार्टिंग तो हम लोग शून्य से ही करते हैं, तभी एक जाके मुकाम हासिल करते हैं। तो ऐसे ही मैं देख रही थी तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी सब्सक्राइब करना चाहिए उनको, तो मैंने भी उन्हें सब्सक्राइब किया। और उनकी अब वीडियोज वो अपडेट करती थी तो नोटिफिकेशन मेरे पास आते तो मैं भी चेक करती थी उनकी वीडियोस। तो वीडियोस देखते देखते मेरे को लगा कि वो बोल रही थी कि मैं लव मैरिज की हूँ और मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं उनकी वीडियोस, हम जैसे बहुत सारे लोग देखते थे तो मैं भी देखती थी, तो उनकी इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि खुशी जी, आप ना पहले तो आप बोलते मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको देखते हैं, आपके ना आई थिंक 155,000 सब्सक्राइबर हैं अभी, और जब से मैं आपको स्टार्ट मतलब फॉलो करना स्टार्ट की तब 11,000 सब्सक्राइबर थे आपके। तो मैंने ना उसमें एक चीज़ नोटिस की थी आपकी कि आप लव मैरिज किए हो और आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट मुझे आपकी वीडियोस देखने के बाद ऐसा कहीं नहीं लगता कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको इवन आपका फैमिली जो इन लॉज हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, बट आई डोंट नो आप क्यों उनको इतना बदनाम करती रहती हैं कि वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अगर वो आपको लोगों को आपको सपोर्ट नहीं करते तो वो आपको अपनी फैमिली में भी रहने नहीं देते। आप बोलते हैं कि मैं लव मैरिज की हूँ इसलिए मेरे साथ कोई घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, मेरे से कोई बात नहीं करता, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तो खुशी जी, ये तो हर एक फैमिली में हर एक लेडीज़ करती है। आप लव मैरिज ले लीजिए, अरेंज मैरिज ले लीजिए, तो वहाँ पे इवन मैं अपना ही बताती हूँ, मेरे पास भी दो बच्चे हैं और मैं भी अपना पूरा घर का काम करती हूँ और उनको भी हैंडल करती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, अफकोर्स सपोर्ट करते हैं। तो और रही बात लव मैरिज की, लव मैरिज हाँ देखिए, आपकी अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है लव मैरिज करने के लिए तो आप बेफिक्र होके कीजिए। और जैसा आप जो जैसा जिस इंसान को ठीक लगे कि उसे ये वाली मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, बट आप अपनी लव मैरिज करके ब्लेम सारा आपकी अपने लॉज पर, अपने मॉम डैड पर, अपने हस्बैंड पर थोप देती हैं कि आप बोल रही थी कि मैंने लव मैरिज इसलिए किया था कि जिस बंदे से आप शादी किए हैं अदरवाइज़ वो अपनी जान दे देता। तो आपने एक जान बचा ली, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस इंसान को एक थोड़े से टाइम से जान रही थी और आपने उसकी जान बचा ली, बहुत अच्छा किया। बट आपके पेरेंट्स आपके साथ बचपन से थे, आपको उनकी जान की कोई फिक्र नहीं थी। अगर वो लोग भी बोलते कि हम लोग जान दे देते थे तो चलो वो भी छोड़िएगा। आप बोलती हैं मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप एक्टर्स हो तो ये बताइए, एक्ट्रेस इतनी सारी हैं, सबको लोग बोलते हैं कि हम आप मैं मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, तो आप हर एक बंदे से तो शादी नहीं कर सकते ना। ये है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हर एक बंदा आपसे बोलने लग जाएगा मैं शादी, मुझे आपसे शादी करनी है, आपसे शादी करनी है, तो आप हर एक से शादी थोड़ा ना करोगे, आपको जो बंदा पसंद होगा आप उस इंसान से शादी करोगे, है ना। तो आप ये चीज़ भी उन पर थोप देती हैं कि मैंने इनसे शादी इसलिए की क्योंकि वो अपनी जान देने वाले थे। नहीं, इसका मतलब आप भी उनसे प्यार करती थी, आप तभी उनसे शादी की है। सेकंड, आप अपने आप बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि आप लव मैरिज कर रही हैं, आप अपना घर छोड़ रही हैं, तो उस बंदे को तो आप ब्लेम नहीं कर सकती हो। आप ये तो नहीं कोई छोटी मोटी मतलब ऐसे लड़की थी गांव की जिसको फंसा लिया किसी ने, नहीं तो आप एक्ट्रेस थी, आपको सब चीज़ के बारे में एक अच्छा नॉलेज था कि आपकी लाइफ यहाँ से क्या होने वाली है। अब आते हैं फैमिली वालों पे, इन लॉज पे, जो आप बोलती हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैं आपकी जितनी भी सारी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। अभी हाल ही मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी
जिसमें आप बोल रही थी रक्षाबंधन था, तो आपके फैमिली मेंबर, इन लॉज फैमिली मेंबर आपकी बेटी को राखी बांध रहे थे। आपकी बहुत प्यारी बेटी है और हम तो, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत तरक्की करें और आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। बट आप सिंपथी ऐसे गेन करते हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बदनाम कर रहे हो। देखिए, एक इंसान अपनी लाइफ में, सब इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये थोड़ा ना कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को डाउन करके और आप ऊपर जाना चाहती हैं, वो चीज़ तो नहीं है। कि आप एक ये भी मैसेज दे रही हो कि नहीं नहीं फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ। हर एक बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और तभी वो कुछ हासिल कर सकता है। बट आप अपनी स्ट्रगल को दिखा के और दूसरे बंदे को डाउन करके थोड़ा ना स्ट्रगल हासिल कर सकते हो, या अचीवमेंट जो भी है आप हासिल कर सकते हो। तो आप बोल रहे थे कि वो सपोर्ट नहीं करते मुझे, तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे ना, वो आपके बच्चे को राखी बांध रहे थे, तो मैंने ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या आपको प्रेशर दे रहे थे या अदरवाइज और थी, तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा। आप शॉर्ट्स बनाती हैं, मैं वीडियोस भी देखती हूँ आपकी, तो उसमें आप वीडियोस में जो बनाती हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स पीछे से निकल के जाते हैं, कोई आगे से निकल के जाता है, तो उन लोगों को नहीं पता है कि आप वीडियोस बनाती हैं, पता है ना। फिर भी आप लोग, आप उन्हें बदनाम करने में लगी हुई हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं ग्लव मैरिज की हूँ इसीलिए मुझसे सारा घर का काम कराते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरेंज मैरिज वाले भी लोग घर में काम करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो उन लोगों की लगती है जो कमेंट बॉक्स में जाके कहते हैं, ओ माय गॉड खुशी जी, आपके ससुराल वाले कितने बुरे हैं, आपका हस्बैंड इतना बुरा है। और मतलब यार, खुशी जी इस चीज़ को नहीं जानती हैं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ रही हैं, एक ऐसे बंदे से शादी कर रही हैं कि कहाँ वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लो फैमिली में जा रही हैं, तो इतना तो वो मतलब भोली नहीं थी, एक्ट्रेस थी, तो जानती हैं अच्छी तरीके से कि वो क्या कर रही हैं। बट फिर भी लोग कमेंट करते हैं, अरे आपका हस्बैंड आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता है। आप ही उस वीडियो में बार बार बोलने लगी थी कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं, यूट्यूब से मनी आएगा तब हम लोग देंगे, हम लोग देंगे। तो मुझे तो आपका फैमिली, जो इन-लॉज का फैमिली है, कोई ऐसा लगता नहीं कि आपको प्रेशर दे के रखता है। तो वो हो गया। अब फिर आप बोलते मैं अपने माँ बाप के घर पे ना कुछ नहीं करती थी। ये बात सच है कि अपने माँ बाप के घर पर बेटी बहुत आराम से रहती है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के पे घर पे भी काम करते हैं। हमने भी किया है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते थे, और जबकि हमारे माँ बाप भी प्यार करते हैं। बट आप वो चीज़ कंपेयर करने की कोशिश करती है ना कि मैं वहाँ कुछ नहीं करती थी, यहाँ कुछ नहीं करती, तो ये किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं था। आप अपने स्ट्रेट माइंड से शादी की, फिर उस घर आई, आपको पहले से पता, ये तो था नहीं कि आप एक दिन से उसको लव किए और आप जस्ट दूसरे दिन आप शादी करके उसके घर आ गए। आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड पता था अच्छे से कि ये कैसा फैमिली है, फिर आप जानबूझ के शादी की। आपके पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं किए थे कि आप शादी कर लो। तो आप खुद अच्छी बन जाती हैं, अपने इवन अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने अपने मॉम डैड को, सबको बुरा बना देती हैं। इवन आप अच्छी हैं, बाकी सारे लोग बुरे हैं। तो मुझे ना आपकी सिंपथी बहुत ज़्यादा फेक लगती है कि, और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आपके पास इतना भी माइंड नहीं है कि आप जाके दूसरे इंसान को ब्लेम कर देते हो। कम से कम खुशी जी के ऊपर किसी ने प्रेशर थोड़ा ना डाला था कि आपको शादी करनी है इसी बंदे से, फिर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है। नहीं, वो अपनी मर्जी से गई है यार, और फिर भी आप जाकर उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को मैं ब्लेम करके चले जाते हो। और कुछ लोगों को, मुझे इतना हंसी आती है, हर घर का प्रॉब्लम है कि देखिए, जेंट्स भी काम करते हैं और लेडीज भी काम करती हैं। खुशी जी आप सारा काम अकेले कर लेती हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, ओ खुशी जी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। यार, हर घर में लेडीज़ काम करती हैं, कोई बाहर जाके करता है, कोई घर में करता है। अगर बाहर जाके करते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत घर में आके कभी कभी करना पड़ता है, और कौन नहीं करता है, सब करते हैं। बट और खुद जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो भी करते होंगे, बट दिखाते हैं, ओ खुशी जी आप तो इतना सारा कुछ कर लेती हैं। तो खुशी जी ने ये लाइफ खुद चुनी है, कोई उनको प्रेशर डाल के डाल नहीं आया कि खुशी जी आपको ये लाइफ जीनी है।
खुशी जी इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, वो खुद अपने से जाकर जान बूझ के किए, तो उसमें कोई और किसी को क्या ब्लेम कर सकते हो आप बताइए। और फिर भी मुझे ना इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ना इतना भरपूर ज्ञान देंगे, बट आई डोंट केयर आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि आपके पास शायद आपका अपना माइंड नहीं चलता है, मेरा चलता है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियोस बनाई है कि वहाँ जाके लोग ना उनकी फैमिली को, हस्बैंड को, सबको ब्लेम करने में लगे रहते हैं। हस्बैंड का छोड़ो, मैं हस्बैंड को नहीं इन्वॉल्व करती, इन लॉज को इन्वॉल्व करती हूँ कि इन लॉज का क्या मिस्टेक है। आप एक वीडियोज में मैंने आपको देखा था, आप वेस्टर्न ड्रेस डाले थे, देखिए हम कुछ भी पहन सकते, ये हमारी आज़ादी है, बट आप वेस्टर्न ड्रेस डाले थे, वीडियो बना रहे हो और बोल रहे हो कि अगर मैं रूम से बाहर गई तो मेरे को ससुराल वाले पिटाई करेंगे। बहन आपको दुनिया देख रही है, समझ रहे हैं ना, आपको दुनिया देख रही है, बट आपके ससुराल वाले आपको मारेंगे। क्या बात बोल रही हो कि आप रूम से बाहर निकलोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी, और इवन दुनिया देख रही है तब उनको पता नहीं चल रहा है कि आपके घर में एक ही फोन है, वो आप ही यूज करती हैं, आपके घर वाले नहीं यूज करते उस फोन को। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि ये मेरी वीडियो ठीक है और आप मेरी वीडियो से सहमत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और जिन लोगों को नहीं लगता है कि वीडियो, क्योंकि खुशी जी के भी फैन हैं बहुत सारे इधर, तो बट आप सोचिएगा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही, मैं जब हम मेहनत करते हैं तभी कुछ चीज़ अचीवमेंट हासिल करते हैं, बट उस अचीवमेंट को पाने के लिए अगर हम अपनी फैमिली को प्रेशराइज करके नीचे कर देते हैं तो ये तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि जिस पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया, आप उस एक बंदे के लिए छोड़ के आ सकती हो, तो जब आप एक सक्सेस पे पहुंच जाओगी तो क्या पता आप अपने ससुराल वालों को बुरा भला बोलवा के फिर आप उनको भी छोड़ के चली जाओ। मेरा तो सोचना कुछ भी हो सकता है, तो फ्रेंड जरूरी थोड़ा ना कि आप उनकी फैमिली को जाकर ब्लेम कराइए कि आप ये हो वो हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो, कि अगर आपके समझ में आती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा उनसे कोई पर्सनल इशू नहीं था, मैं वाइजाग में रहती हूँ और वो आई थिंक बिहार में रहती हैं, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट मैं उनकी वीडियोज़ देख के वीडियोज़ बना रही हूँ। तो ठीक है, बाय बाय।